डिफरेंसेस थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। बाइक्स की GS SA 150 और GR 150, ये GS 150 है, इसका एवरेज है 42-45 किलोमीटर पर लीटर। खुद मैं चला रहा हूँ और मैं अपने चेक इन के थ्रू ही बता रहा हूँ, कंपनी के थ्रू में 42-45 किलोमीटर। और इसके जो रेट लिस्ट हैं जो स्पेयर पार्ट के, वो भी आप देख सकते हैं कि GR से काफ़ी कम है। और उसके अलावा थोड़ा सा जो लुक है वो आप लोगों को GR का बेहतर लगेगा, अदरवाइज चलने में और यूजिंग में GS SA सबसे बेस्ट है सुजुकी के ब्रांड में। और ये लुक है इसका, ये देख सकते हैं आप, डिज़ाइन दो कलर है, ब्लैक और रेड। मेरे पास ब्लैक है, ज़बरदस्त है, बेहतरीन चल रहा है। तो जनाब खुद आ जाते हैं GR की तरफ, ये GR है, इसकी डिज़ाइन लुक काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो है ना 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर करेगा, जो कि एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है इसका। लेकिन लुक इसकी बेस्ट है, खूबसूरत है, अच्छी लुकिंग में है, डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा है, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट भी फिर काफ़ी हैवी हैं, महंगे हैं। मतलब वो भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि GS के जो प्राइस है और GR के जो प्राइस है वो रेट डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। और जो इसमें बाकी इंजन सेम है, 150 है, लेकिन बस एक इसकी पेट्रोल एवरेज कम है और दूसरा इसके स्पेयर पार्ट काफ़ी महंगे हैं। तो ये दो चीज़ें, जो स्पेयर पार्ट है वो तो चलो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जो पेट्रोल एवरेज है वो काफ़ी हैवी पड़ने वाला है अगर आप लोग लंबे टूर पर जाते हैं या मतलब कोई इस किस्म का प्रोग्राम है। तो बाकी इंजन सेम है, पावर भी सेम है, 150 है वो भी, ये भी 150 है। डिज़ाइन थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका, डिज़ाइन में ये खूबसूरत है GS से, लेकिन फिर थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं। ये हॉर्न वगैरह और ये इसके हैंडल को मैनेज करने के लिए, ये जो है ना स्टार्ट करने के लिए लाइट वगैरह सारा कुछ सेम है बाकी सुजुकी के GS के। और इसका ये आप देख सकते हैं लुक, चेक करें डिज़ाइन वगैरह, इसका भी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हैवी बैग की तरफ तरह नज़र आता है, इसमें थोड़ा सा वो लुक नहीं है। वो सामने वो भी 150 जो हैवी बैग नज़र आ रहा है रेड कलर में, उसका भी कारपेट दूसरा है, वो भी पेट्रोल एवरेज में कम है और स्पेड पार के तो इससे भी ज़्यादा हैवी है। आप रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं GR और GS में। GR का जो इंजन ऑयल है जी जनाब 562 सेम है, इंजन ऑयल फिल्टर सेम है 370 और एयर फिल्टर जो इसका है 1463 का GS का, उसका है 1152 का। क्लच केबल में आ जाएं, 157 रुपये का है GS का, 1159 रुपये का है GR का। रेस केबल में आ जाएं, 156 रुपये का है GS का, 1333 रुपये का है GR का। ब्रेक लेदर में आ जाएं, 486 रुपये का है GS का, 2253 रुपये का है GR का। स्पार्क प्लग में आ जाएं, 661 रुपये का है जनाब GS का, 883 रुपये का है GR का। इशारा में आ जाएं, 433 रुपये का है GS का और 1463 रुपये का है GR का। चैन ग्रारी सेट में आ जाएं, 2764 रुपये का है GS का, 4742 रुपये का है GR का। हेडलाइट में आ जाएं, 1565 रुपये का है GS का और 6958 रुपये का है GR का। तो ये तो रेट लिस्ट डिफरेंसेस हैं, बाकी जो ट्यूनिंग वगैरह है वो सेम है, उनका रेट लिस्ट ये है, उनकी प्राइसेस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो सेम ही है GR के और इसके। तो मैं करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, देते कुछ भी नहीं है ये रेट प्राइस। तो मैं करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद नहीं है लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को। तो अब दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।